मैं तमाम इस वीडियो को देखने वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि गुलनाज को जलाने में और मारने में तीन व्यक्तियों का हाथ नहीं था, उसमें ये चौथी महिला भी शामिल है जिसका भी नाम FIR में होना चाहिए और इसको भी ऊपर 302 की धारा के अंतर्गत 420 के धारा के अंतर्गत जिस तरह से देश के साथ धोखाधड़ी किया, उस बच्ची की जान चली गई। तो एक दलाल जरूर है वो लड़की, वो महिला जो भी है। एक तो बच्ची के नाम पे उन्होंने चंदा उगाही की, एटलीस्ट आपने चंदा लिया कोई बात नहीं, कम से कम उस पर खर्चा तो करती। अगर वो सही तरीके से अगर उसको इलाज हो जाता तो शायद वो बच्ची आज जिंदा होती। देखिए आज हम लोग मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी, हमारे एक्टिविस्ट साथी आरजू खान साहब, हमारे मुंबई से आए हुए हमारे विनय दुबे, आज हम लोग पटना के कारगिल चौराहे पर हैं और मामला बड़ा संगीन है। जो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का जिस दिन शपथ ग्रहण था उसी दिन वैशाली के अंदर जो है एक गुलनाज नाम की लड़की के साथ अत्याचार बलात्कार होता है, उसको जला करके जिंदा मार दिया जाता है और उसी दिन नीतीश कुमार सातवीं बार जो है यहाँ बिहार का मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण है। काफी दर्दनाक ये घटना है और लगातार बिहार के अंदर बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार और बलात्कार का केस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उससे ये हमको ये देखने को मिला और पूरे देश के अंदर इस वैशाली की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक आक्रोश एक उत्साह है, जिसके मद्देनजर हम बनारस से हम चल करके आए हैं, विनय दुबे जी मुंबई से चल करके आए हैं, हरजी खान साहब जो है यहाँ पर, यहाँ के तमाम विश्वविद्यालय के हमारे नौजवान साथी आप देख सकते हैं बुलाए करते हैं और सबके मन में एक आक्रोश है, सबके मन में एक गुस्सा सा है कि गुलनाज के हत्यारों को फांसी देने की मांग की जाए यहाँ कारगिल चौक पटना के अंदर। और पूरी शिद्दत के साथ हम नीतीश कुमार से यह मांग करते हैं कि बिहार के अंदर जिस तरीके से लगातार बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार और बलात्कार का केसेस है, सबसे पहले इस लाइन ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, हर एक बहन बेटियां बिहार के सरजमीन पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और किसी भी ट्रायंगल में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हर केस को हिंदू और मुसलमान के ट्रायंगल पे ले जाकर के रख दिया जाता है और अन्याय का एक बड़ा कदम उठाया जाता है, तो नीतीश कुमार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको हिंदू और मुसलमान के ट्रायंगल से न देकर के बहन बेटियों के आबरू। ठीक है विनय जी, यहाँ आने का मकसद क्या था और ये जो श्रद्धांजलि आपने अर्पित की है उस बेटी को, जिस बेटी को जला दिया गया था, तो आपका बिहार सरकार से यहाँ के मुख्यमंत्री से क्या संदेश देना है ये बता दे। सर देखिए, अपेक्षा कुछ भी नहीं है, सरकार इतनी अगर सक्रिय होती और इतनी संवेदनशील होती तो इस तरह की घटना इनके राज्यों में ना होती। हम जैसे मुंबई से सामाजिक कार्यकर्ताओं को आना पड़ता है और बिहार में अगर इंसाफ मांगना पड़ रहा है तो इस सरकार की दयनीय हालत कहीं ना कहीं दिखाती है, तो इससे अपेक्षाएं नहीं है। लेकिन जो लड़की मरी है उसको इंसाफ मिलना भी जरूरी है, इसलिए सारे युवा जो पूरे देश से एकजुट हो रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बनारस हो, सारे लोग अब एक साथ आए हैं और इस बच्ची को, इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने सिर्फ अपने आप को छेड़छाड़ होने से मना किया था और एक इंसान, एक पुरुष का जो कि वहां का एक दबाव रखने वाला व्यक्ति के घर से आता है, वो लड़का उसका ईगो हर्ट हो गया, उसने सिर्फ इस बच्ची को जला दिया। एक 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 बहुत बड़ा सवाल उठा है अभी एक सोशल एक्टिविस्ट को लेकर, किरण यादव जिनका नाम है, उन्होंने बहुत सारी बातें उनके घर पे उस बेटी के खिलाफ की है कि उसका संबंध था, प्रेम प्रसंग का संबंध था उस लड़के से, इसलिए उसने अपने से जलाया है। इसको आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता तो मैं नहीं कह सकता, एक दलाल जरूर है वो लड़की, वो महिला जो भी है। एक तो बच्ची के नाम पे उन्होंने चंदा उगाही की, एटलीस्ट आपने चंदा लिया कोई बात नहीं, कम से कम उस पर खर्चा तो करती। अगर वो सही तरीके से अगर उसको इलाज हो जाता तो शायद वो बच्ची आज जिंदा होती। मैं तमाम इस वीडियो को देखने वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि गुलनाज को जलाने में और मारने में तीन व्यक्तियों का हाथ नहीं था, उसमें ये चौथी महिला भी शामिल है जिसका भी नाम FIR में होना चाहिए और इसको भी ऊपर 302 की धारा के अंतर्गत 420 के धारा के अंतर्गत जिस तरह से देश के साथ धोखाधड़ी किया, उस बच्ची की जान चली गई केवल इस महिला के कमाने के चक्कर में, तो इस पे भी सजा होनी चाहिए, इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। और कल सवेरे हम लोग गुलनाज के घर पे जा रहे हैं, उसकी माता जी को मिलेंगे और पूरा मामला अगर पुलिस प्रशासन नहीं संभाल पा रही है या उनकी हैसियत नहीं है बिहार पुलिस की इस मामले में इंसाफ दिलाने की, तो हम रस्तों पे उतर गए, ये इंसाफ इनके हलक में हाथ डाल के खींच के निकालेंगे। ठीक है आरजू जी, आप यहाँ पर रहते हैं, आप यहाँ के निवासी हैं और आप इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं और जो इस पे आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी माँ पे लगाए गए, उस बेटी पे लगाए गए, तो कहीं से कहीं ना कहीं इस पे एक सवाल उठता है कि इस ये आरोप किस हद तक सही है? आरोप की जहाँ तक आरोप और प्रत्यारोप की मैं बात करूँगा,
और होता ये है, ये 15 सालों से लगातार ये कोशिशें बिहार के इस गवर्नमेंट में चलती आ रही हैं, लेकिन ये जनता भी है वो जागती कब है, जब इस तरह का कुछ गुलनाज या आसिफा या और भी किसी बहनों का कांड होता है तब ये जागती है। ये तमाम एक्टिविस्ट जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, हम सब लोग मिल के साथ में चलते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये आम आवाम की आवाज बने और श्री नीतीश कुमार जी के कानों तक पहुंचे और इस घटना को, ये 15 साल के बाद जो नई सरकार बनी है, इस पे रोक लगे और हम सब लोग एक समाज की एक धुरी बनकर, एक चक्का और एक इंजन बनकर इसके लिए हम काम करेंगे और आवाज उठाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पीएमसीएच हॉस्पिटल में भी देखा था कि आप उस बेटी के पास उस वक्त भी मौजूद थे, ये 8 तारीख की बात है, आप वहां गए थे, उनको संतावना भी दी थी और सारी चीजें, लेकिन क्या वजह थी कि उस बेटी को उस हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट क्यों नहीं कराया गया? प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करने की वजह सिंगल एक सोशल एक्टिविस्ट किरण यादव की, जो कि विनय दुबे जी ने जब ऑफर किया कि मैं इनको मुंबई ले जाता हूं, वहाँ पे कलावती हॉस्पिटल है, वहाँ पे बर्निंग का बढ़िया मतलब ट्रीटमेंट होता है, वहाँ से मैं इनको इलाज करवा दूंगा लीलावती। ठीक है, उसके बाद उसकी माँ ने और उसकी बहन वहाँ पे थी, उन लोगों से भी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि तो किरण यादव जी से बात किया और किरण यादव जी ने बाई फोर्सली ये चीज को फोन पे बोला कि नहीं आप ले नहीं जा सकते, तो यहाँ पे इलाज सही चल रहा है, अब ये ठीक हो गई है। ठीक है, आप पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं और बोलते हैं अपने आप को सुशासन बाबू, गुलनाज को दिन दहाड़े वहाँ के लोगों के द्वारा जला दिया गया किरासन तेल डालकर, पेट्रोल डालकर, और आज भी वह दोषी जो है गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं नीतीश कुमार जी के कहता हूँ, नीतीश कुमार जी आपका महिला आयोग कहाँ है, हमारे महिला उप मुख्यमंत्री बनी है कहाँ है, आप महिलाओं के साथ, आपके राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे सरकार की जरूरत नहीं है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि देश के तमाम जगहों पर गुलनाज के इंसाफ के लिए, देश के तमाम चौक चौराहे कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनके इंसाफ के लिए लड़ाई तेज हो चुकी है, और जब तक उनके दोषी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं तब तक लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी पटना के कारगिल चौक पर हम लोग कैंडल मार्च करके नेशनल, मुंबई से आए विनय दुबे जी, बनारस से हरीश मिश्रा जी और पटना के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम छात्रों ने आज कैंडल मार्च जलाकर सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि जब तक गुलनाज को इंसाफ नहीं मिलता, गुलनाज के परिवार वालों को सुरक्षा नहीं मिलता, उनको इंसाफ नहीं मिलता और दोषी गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग किसी से झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं। एक सवाल और है आपसे, इस पूरे प्रकरण में एक नाम बहुत सामने उठ के आया, जब उसको प्राइवेट हॉस्पिटल से उस बच्ची को सरकारी अस्पताल पटना के पीएमसीएच में लाया गया 7 तारीख को, उसमें एक नाम आया किरण यादव का। उनकी भूमिका जो थी वो सिर्फ सवालों की थी और बहुत से ऐसे सवाल उठे उस बच्ची की माँ के पर भी सवाल उठाया और उस बच्ची पर भी सवाल उठाया। इसको आपकी जांच का विषय है। भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा, सीनियर हमारे भैया ने, कि संदिग्ध मामला है, इसको प्रशासन FIR में उनका भी नाम जोड़े, SP उनका स्टेटमेंट ले और जांच करे कि कहां तक वह दोषी है। अगर वह दोषी है तो चौथा वो भी गुनाहगार है गुलनाज को जलाने में, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, उनको भी गिरफ्तारी होना चाहिए, मौत की जिम्मेदारी उन पर भी आयद होती है। हाँ, मौत की जिम्मेदारी उनको भी आती है, क्योंकि अगर दोषियों के साथ रत्ती बराबर भी साथ दिए हैं तो गुलनाज के हत्यारों में वो भी शामिल है। नहीं, इस घटना में उन्होंने पहले तो क्राउड फंडिंग की और क्राउड फंडिंग से पैसा आने के बाद उन्होंने बताया कई लाख रुपए है, लेकिन उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके गए? मैं सीधा सीधा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरे इस बात को, मेरे बयान को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। उन्होंने बार बार कहा कि इस बच्ची को बचाना है, बच्ची के नाम पर वो कई हजार लाखों रुपए उन्होंने चंदा वसूला, भगवान जाने उनके पास कितना पैसा आया, 2 रुपया भी आया था, 10 रुपया भी आया था, वो तो बैंक डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन आपने टाइम पर उसकी माँ को क्यों नहीं पहुँचाया? अगर उसकी माँ को पहुँचाया होता तो अच्छे अस्पताल में उसका इलाज होकर के वो आज जी रही होती, आज जिंदा होती, लेकिन आज वो मर गई। आपने उसको पैसा नहीं पहुँचाया और
हम लोग जैसे लोगों को जो मदद करने के लिए आगे आए, तो आपने हम लोगों को भी इल्जाम लगाया। मुझे पता चला है कि सोशल मीडिया पर भी हमारा फोटो आपने डाला है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सरकार से प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से 3 व्यक्ति का आप तलाश कर रहे हैं अपराधियों में, तो षड्यंत्र करने वाले अपराधी के रूप में भी आप किरण यादव का नाम जरूर दर्ज कीजिए। ठीक, धन्यवाद।